आरक्षण भर्ती रद्द करने के मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि भर्ती रद्द की गई है, लेकिन इसके लिए विकल्प भी खोज लिया गया है। किसी को भी घबराने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले लगभग 2500 पद थे, लेकिन अब 3000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि किसी को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, सबका ध्यान रखा गया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सत्या राजपूत ने। लंबे समय से लंबित आरक्षक प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है, इस पे चर्चा के लिए हमारे साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हैं, उनसे जानते हैं। सर, ये लिखित परीक्षा होने के बावजूद और इसको निरस्त करने की बात कही जा रही है। अभी जो पुराने आरक्षक भर्ती चल रहा था और उसको आज निरस्त किया गया है, क्योंकि विधि विभाग ने उसमें अपनी सहमति दी है जानकारी कि जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी, जिस नियम के तहत भर्ती किया जा रहा था, वो विधि सम्मत नहीं था, क्योंकि विज्ञापन पहले जारी किया गया, नोटिफिकेशन बाद में हुआ, तो उसको लेकर जिनका चयन नहीं होता वो कोर्ट में जाते तो ये पूरी रुक जाती, इसलिए उसको निरस्त किया गया है। और नियमानुसार नई भर्ती प्रक्रिया के तहत 2259 था, अब हम 3000 से अधिक आरक्षक पदों की भर्ती की प्रक्रिया नियमों के अनुसार शुरू करेंगे और इसमें किसी को भी नुकसान नहीं होगा और कोई जो अभ्यर्थी जो उसमें शामिल हुए थे उनको सोचने की जरूरत नहीं है, सबको नियमों के अंतर्गत लाके उनको अवसर दिया जाएगा। जो ये शारीरिक दक्षता को पास कर लिए थे, रिटर्न परीक्षा दिए थे, उनके लिए क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था है, क्या उनको सीधा सीधा नुकसान हो रहा है? नहीं, कोई नुकसान किसी को नहीं होने दिया जाएगा। जो परीक्षा में शामिल हो गए थे, जो वैध हो गए थे, उनको पुनः अवसर दिया जाएगा, उनको किसी को नुकसान ही नहीं होगा। तो अभी आप इसमें गृह मंत्री जी को, जिनका साफ कहना है कि इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, जो प्रतिभागी इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो आगे के लिए वैध होंगे और उनको किसी तरह से नुकसान नहीं होगा। कैमरा मैन जग्गा के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस।